वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। और मेरे हाथों में है ZKTB21। ये बोर्ड एक 2.1 बोर्ड है जिसकी पावर आउटपुट लेफ्ट और राइट चैनल पर 50+50 वाट है और सबवूफर चैनल पर 100 वाट है। ये भी एक क्लास डी 2.1 एम्पलीफायर है। आप जानते हैं कि फ्यूचर क्लास डी का ही है और बहुत ज़्यादा लोग इसी टाइप के बोर्ड्स को अब खरीदना पसंद करते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि मार्केट में जो भी कॉमनली अवेलेबल बोर्ड्स हैं सभी के बारे में आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, डिटेल्स होनी चाहिए, किसकी क्या क्वालिटी है और किसकी ऑडियो किस लेवल पर आती है। ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो एक क्लास डी एम्पलीफायर का बोर्ड खरीदते टाइम में आपको काफ़ी ईजी होगा। तो आइए अब इस बोर्ड का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नए आने वाले वीडियोज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वूजी ऑडियो का बोर्ड है, इनकी ऑडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छी रहती है। ये पर्टिकुलर बोर्ड जो है TPA 3116D2IC पर बना है। जैसा कि आपने देखा होगा कि वूजी ऑडियो के बोर्ड्स ज़्यादातर उनकी अपनी ICs पर बेस्ड होते हैं, लेकिन ये बोर्ड TPA 3116D2 पर बेस्ड है। और TPA 3116D2 के बारे में आपको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारी बातें मैं बता चुका हूँ। बहुत ही रिप्यूटेड ब्रांड की IC है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट की। क्वालिटी, स्टेबिलिटी और लाइफ, ये सारी चीज़ें इस IC की बहुत अच्छी है। इस तरह के 2.1 बोर्ड के मार्केट में कई सारे वर्जन अवेलेबल है, कई सारी ICs के वर्जन अवेलेबल हैं। जो भी चीज़ें मुझे मिलती जाएंगी सभी का मैं रिव्यू कर दूंगा। बोर्ड का लेआउट तो आप देख ही रहे हैं, वूजी ऑडियो के बोर्ड बहुत ही शानदार फिनिशिंग के आते हैं। इस बोर्ड की स्पेशलिटी की बात करें तो इसमें कैपेसिटर काफ़ी अच्छे वैल्यू का लगाया गया है, 6800 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है। आउटपुट पर प्रॉपर इंडक्टर क्वाइल्स यूज़ की गई हैं। SMD के अकॉर्डिंग कैपेसिटर का साइज़ बहुत बड़ा है इसलिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कैपेसिटर ये लगता है। पावर सप्लाई के पास डबल डायोड लगाया गया है ताकि 10 एम्पीयर की करंट ये बोर्ड ले सके। ब्लूटूथ इनबिल्ट है इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं और ऑक्स का इनपुट भी दिया हुआ है। सभी ऑप एम्प IC 5532 है जो कि ऑडियो क्वालिटी के मामले में काफ़ी अच्छी मानी जाती है। आउटपुट के लिए यहाँ पर स्क्रू टर्मिनल दिए हुए हैं। पावर सप्लाई DC जैक से भी है और एक 2 पिन के जैक से भी है। DC 12 से 24 वोल्ट तक की सप्लाई पर यह बोर्ड चलता है और जिस तरह से 200 वाट की पावर है इसकी, 50+50+100 वाट, तो 10 एम्पियर की करंट इसको चाहिए। 24 वोल्ट 10 एम्पियर अगर आप इसको देंगे तो पूरी कैपेसिटी से ये काम करेगा। कंट्रोल्स की बात की जाए तो यहाँ पर एक मेन वॉल्यूम कंट्रोल दिया हुआ है लेकिन इसके साथ में ही ऑन ऑफ स्विच भी इनबिल्ट है। सभी सील्ड टाइप के पोटेंशियोमीटर दिए हुए हैं तो नॉइज़ आने का कोई चांस नहीं है। इनकी लाइफ और स्मूथनेस भी काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ पर देखिए चैनल लिखा हुआ है यानी कि ये सैटेलाइट के लिए है। इस पोटेंशियोमीटर से आप सैटेलाइट में जाने वाले बेस को कंट्रोल कर सकते हैं और इस पोटेंशियोमीटर से आप सैटेलाइट में जाने वाले ट्रेबल को कंट्रोल कर सकते हैं। इस पोटेंशियोमीटर से आप सबवूफर का वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं और इस पोटेंशियोमीटर से आप उसकी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर सकते हैं। सबवूफर फ्रीक्वेंसी फ़िल्टर वो 20 हर्ट्ज से लेकर 200 हर्ट्ज तक के लिए ट्यून किया गया है, तो जब हम टेस्ट करेंगे तो पता चल जाएगा हमें कि कितने अच्छे तरीके से ये काम करता है। और आइए देख लेते हैं कि इसके अंदर किस तरीके की IC लगी हुई है। हीट सिंक के नीचे आप देख सकते हैं कि 2 TPA 3116D2 बिल्कुल टेक्सास इंस्ट्रूमेंट की ओरिजिनल ICs लगी हुई हैं। एक IC हमारे सबवूफर के लिए यूज़ की गई है PBTL मोड पर और दूसरी IC ब्रिज मोड पर सैटेलाइट चैनल्स के लिए यूज़ की गई है। तो IC ओरिजिनल है, इसमें कोई भी सस्पिशन नहीं है। और जब हम ये बोर्ड ख़रीदते हैं तो इसके साथ हमें इसका एनक्लोज़र भी मिलता है जो कि PCB बोर्ड का ही बना होता है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ किस तरीके का है ये। इसके साथ आपको ये स्पेसर वगैरह मिल जाते हैं, स्क्रू मिल जाते हैं। इन सबको ऊपर नीचे लगा देने से एक इस एम्पलीफायर का प्रॉपर लुक आ जाता है और किसी अलग से इनक्लोज़र की ज़रूरत हमको नहीं पड़ती है। और साथ में ही ये नॉब्स मिल जाती हैं और ये DC जैक मिल जाता है, इसका यूज़ करेंगे हम। अभी मैंने इसमें नीचे का पैनल लगा दिया है और नॉब्स वगैरह लगा दिया है तो इस तरीके का कुछ लुक आ रहा है, आप देख रहे हैं। अगर ऊपर का पैनल लगा देते हैं तो ये फाइनल लुक हमारा होगा। बिकॉज हमें टेस्ट करना है तो इस पैनल को भी हम यूज़ नहीं करेंगे। और आइए अब सारे कनेक्शन कर देते हैं। जैसा कि मैं इस तरह के क्लास डी एम्पलीफायर के बारे में हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको 20 वोल्ट से कम चलाना है तो आप इसमें 4 ओम 8 ओम का कोई भी स्पीकर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 20 वोल्ट से ज़्यादा चलाना है अगर आपको तो 8 ओम का ही स्पीकर यूज़ कीजिए। कुछ ICs हैं जिसमें पर्टिकुलरली लिखा रहता है कि आप 24 वोल्ट पर भी 4 ओम का यूज कर सकते हैं, वहाँ पर आप कर सकते हैं। पूरा सेटअप क्रिएट हो गया है, ये पावर सप्लाई हमारी लग गई है 24 वोल्ट की, 2 स्पीकर हमारे लग गए हैं लेफ्ट राइट में और एक सबवूफर मैंने लगा दिया है। ये प्रोडक्ट इंक ओशन की वेबसाइट पर अवेलेबल है। अगर आपको इसे खरीदना है या इसकी प्राइस चेक करनी है तो आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आइए करते हैं अब इसका ऑडियो टेस्ट। इसको कनेक्ट करते हैं ब्लूटूथ से और देखते हैं कि किस तरीके की ऑडियो इसमें आती है।
और ऑडियो सैंपल सुनने के लिए आप हेडफोन या ईयरफोन का यूज़ करें, तभी आपको करेक्टली पता चलेगा। और ये डिवाइस हमारे कनेक्ट हो चुकी है। अभी मैंने सारे कंट्रोल्स मीडियम पे रखे हुए हैं और सब बुफर बिल्कुल बंद है। बोर्ड में कोई भी पॉप नॉइज नहीं है, जैसे देखिए मैंने ऑफ कर दिया और ऑन किया। अब मैं ट्रिबल इंक्रीज करता हूं। काफी अच्छी ट्रिबल है। सैटेलाइट का बेस इंक्रीज करता हूं। सब बुफर में बढ़ा रहा हूं। बेस आपको सुनाई देने लगी होगी। सब बुफर का बेस आ गया। वॉल्यूम तेज करते हैं, देखते हैं आवाज फटती है या नहीं। फुल वॉल्यूम। सब बुफर और सैटेलाइट दोनों काफी अच्छे बज रहे हैं। इसमें लाइट हीटिंग है, ज्यादा हीटिंग नहीं है। आईसी में भी थोड़ी हीटिंग है, इतनी हीटिंग तो नॉर्मली होती है। और कहीं बोर्ड में कोई भी हीटिंग नहीं है। काफी अच्छी क्वालिटी है, बहुत सेटिस्फैक्टरी है। कुछ भी ज्यादा नहीं है, कुछ भी कम नहीं है, बिल्कुल बैलेंस साउंड है। कुछ कुछ बोर्ड्स में बेस और ट्रिबल बहुत ज्यादा होता है, तो उस तरीके का नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस साउंड। हर तरह के म्यूजिक को सपोर्ट कर सकता है ये, रॉक पॉप जैज जो भी है। तो ये था इस बोर्ड का रिव्यू फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। और लिंक जैसा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया ही है, आप वहाँ से ले सकते हैं। इसी के साथ अगले वीडियो तक के लिए ओके, टाटा एंड बाय फ्रेंड्स।